बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज मैं 22वें दिन के हवाले से आपको उर्दू का लेक्चर दे रही हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था परिंदे की फरियाद, आज जो है हम नसर की शेर की हम नसर लिखेंगे। नसर किसको कहते हैं, यानी कि शेर को आसान लफ्ज़ों में बयान करना, ठीक है। तो नसर करने से पहले हम हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन में क्या करते हैं, नज़म का नाम लिखते हैं जो है परिंदे की फरियाद, और शायर का नाम क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो हमारा शेर क्या है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। जैसे कि मैंने आपको बताया था परिंदे की फरियाद, यानी कि वो अपने वो कैद में और अपने आज़ादी के दिनों को याद कर रहा है। वो अब क्या कह रहा है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। चहचहाना यानी परिंदों की आवाज़ें। आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपनी गोंस लेके अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। अब वो नसर में क्या कह रहा है कि मेरे दिल पर चोट लगती है जब मुझे गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है, यानी कि चोट लगती है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। जब हम आज़ादी से घूमते फिरते थे अपनी मर्ज़ी से, जब जी चाहता था घोंसले में आते और अपनी खुशी से जब जी चाहता जाते थे, वो बाग में बहार का मौसम जिसमें सब परिंदे जो थे वो चहचहाते थे, ठीक है। फोर क्लास, ये इस शेर की नसर है। आपने अच्छी सी राइटिंग में इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हैं और मज़ीद आसान लफ्ज़ों में, ठीक है, और समर पैक पे लिखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।